क्या आपके पास भी राकेश अस्ताना आईपीएस अधिकारी दिल्ली का कॉल आ रहा है क्या वो आपको भी बोल रहा है कि मैं आपको गिरफ़्तार करने के लिए आपके घर आ रहा हूँ या फिर पुलिस टीम आपके घर के लिए निकल चुकी है आज इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे चाहे इसमें आपको राकेश अस्थाना हो चाहे आपको इसमें संजय सिंह हो चाहे हेमंत मल्होत्रा हो या फिर ऐसे कई सारे आईपीएस ऑफिसर का नाम लिया जाता है या फिर पर्टिकुलर दिल्ली से आपको एक कॉल आता है और उस कॉल में आपको साइबर क्राइम पुलिस की बात की जाती है कहीं आप भी इस तरीके के मामले में अगर फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइबर क्राइम दिल्ली या फिर ये आईपीएस ऑफिसर का जो आपके पास कॉल आता है इससे संबंधित जो भी समस्याएं आपके दिमाग में बनी हुई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यानी कि सो शो प्रतिशत सोल्यूशन हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवाड़ी चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर ये राकेश अस्ताना हेमंत मल्होत्रा संजय सिंह राम पांडे गौरव मल्होत्रा विक्रम सिंह राठौड़ ऐसे कई नामों से आप लोगों के पास ये कॉल आते हैं और आप लोगों को वो लोग धमकी या फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि आखिर ये फोन आते क्यों हैं। एक स्कैम है जिसे सक्सटोर्सन नाम से जाना जाता है यानी कि जब किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर कोई ऐसी एक्टिविटीज जो कि काफ़ी भद्दी हो गंदी हो या फिर न्यूड हो ऐसी एक्टिविटीज़ के फ़ोटोग्राफ या पिक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उस लोगों को या उन सभी लोगों को उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल वगैरह करके उनका प्रचार प्रसार करके उन लोगों को डरा कर उनसे जो ठगी की जाती है वो शाक्सटोसन और एक्सटोर्सन होता है आजकल ये स्कैम सोशल मीडिया पर इंटरनेट की दुनिया में बड़ा तेजी से चल रहा है साइबर क्रिमिनल जो लोग होते हैं वो इस तरीके की गतिविधि करते हैं वो ऐसे भोले भाले लोगों को या फिर ऐसे लोगों को फंसाते हैं जो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल भी अनभिग हैं यानी कि उनको बिल्कुल जानकारी नहीं ऐसे लोगों के सामने वो किसी पॉन क्लिप को दिखाकर उनका वीडियो बना लेते हैं या फिर अन्य अन्य तरीके से भहका कर बहला फुसला कर उनके ऐसे फोटोज निकाल लेते हैं जो काफ़ी विचित्र करने वाले होते हैं मेरा मतलब सीधा सीधा यह है कि आपके न्यूड वीडियोज़ या फोटोज को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसी चीज़ को लेकर वो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं या डराते हैं अब जब व्यक्ति इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यानी कि किसी व्यक्ति को मान लो इन्होंने डराने के लिए कहा और वो व्यक्ति उन लोगों को ब्लॉक कर गया या उनसे नहीं डर रहा है उसने कह दिया कि भाई नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा या हो सकता है किसी व्यक्ति के पास पैसे हो ही ना उस व्यक्ति को डराने के लिए ये एक नॉर्मल कॉल करते हैं और उस कॉल में ये अपने आप को जो ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में नाम बताए राकेश अस्ताना विक्रम राठौड़ हेमंत मल्होत्रा संजय सिंह और भी कई ऐसे नाम हैं ये सारे नामों का यूज करते हैं यहाँ तक कि उनके ट्रू कॉलर में पुलिस अधिकारी की फोटो भी लगी होती है कई बार तो मैंने इन साइबर क्रिमिनल से बात की कि भाई कौन बोल रहे हो तो मुझे ये आईपीएस अधिकारी का नाम बताने लगे कि जानते नहीं हो क्या देखो बेसिकली इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है समझने की जरूरत इसलिए है कि जब तक आपको यह पता ही नहीं है कि क्या आपने कोई अपराध किया भी है या नहीं तब तक आपको पुलिस का फोन आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे क्या मतलब है क्या फर्क पड़ता है अगर आपने कोई अपराध नहीं भी किया है फिर भी अगर आपको कोई पुलिस का अधिकारी फोन करके बोल दे तो आप तो यार डर जाओगे और ये लोग पुलिस का अधिकारी बनकर ही फोन क्यों कर रहे हैं इसका भी क्या रीजन है इस पूरे मामले में हम लोग जब किसी लड़की को देखते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है इस पूरी स्कैम की इसी तरीके से होती है कि एक वीडियो कॉल आता है है ना वीडियो कॉल में आपको एक लड़की दिखाई देती है और वो आपको बोलती है कि भाई आप न्यूड हो जाओ या फिर आप कुछ एक्टिविटी करो क्योंकि वो एक्टिविटी या फिर न्यूड होने के लिए आपको बार बार इसलिए कहा जाता है कि ताकि वो आप लोगों को ब्लैकमेल कर सके भाई आप अगर बिल्कुल उनके सामने आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो आपको ब्लैकमेल कैसे करेंगे कई सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनका खाली फेस आ गया और उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है उन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है डराया जाता है कि इससे तेरी समाज में क्या एक इम्पैक्ट होगा यानी कि तेरे जो परिचित लोग हैं तेरे मिलने वाले हैं तेरे परिवार के फैमिली के लोग हैं उन लोगों को ये भेजेंगे तो तेरी क्या एक छवि रहेगी क्या तेरी मतलब मानसिकता के बारे में लोग कहेंगे और जब व्यक्ति इन सारी चीजों को देखकर डरना बंद कर देता है कि ठीक है यार तू मुझे इस वीडियो को लेकर क्यों डरा रहा है भाई तू जहां भेजना है भेज जहां तेरे को दिखाना दिखा तो मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस चीजों को तो ये लोग क्या है कि पुलिस के नाम से फोन करते हैं अब कई लोग ये कहते हैं कि सर पुलिस का फोन आ रहा है मेरे भाई पुलिस का फोन आ ही नहीं रहा पुलिस को तो इस बात का पता ही नहीं है कई लोग कहते हैं कि सर ट्रू कॉलर में पुलिस अधिकारी का फोटो है अरे ट्रू कॉलर में फोटो लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वह पुलिस का अधिकारी है कई लोगों का एक क्वेश्चन और भी है मैं वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कई लोग कहते हैं कि सर हमने उसको ट्रू कॉलर पर सर्च किया था वहां पे विक्रम सिंह राठौड़ ही आ रहा है मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था अगर आपने इस वीडियो को अगर अभी तक देख लिया होता तो ये सारी चीजें आपके सामने नहीं आती इसके लिए ये वीडियो आप जरूर देखना अगर आप ट्रू कॉलर में ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये नाम कैसे दिखाई देता है या फिर ये लोग फोटो का यूज कैसे कर रहे हैं इस वीडियो में मैंने बताया है जब ट्रू कॉलर हम लोग हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करने के बाद हम उसे अपडेट करते हैं यानी कि उसमें हम हमारी डिटेल्स मेंशन करते हैं तो उस डिटेल में हम जो हमारा नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब भरते हैं तो वहां आप भर के देखिए विक्रम सिंह राठौड़ उसके बाद इस नंबर को आप सर्च कीजिए आपके नंबर को भी वो इसी नाम से बताएगा इसमें आश्चर्य की क्या बात है ऐसा तो है नहीं कि ट्रू कॉलर ने आपको यह कंफर्मेशन दे दी कि यह सिम भी इसी के नाम से दूसरी बात फोटो की अरे फोटो जो है वो गूगल पे मिलते हैं इन्होंने जैसे मान लो कि इन्होंने अपना नाम रख लिया कि मुझे राकेश अस्थाना के नाम से कॉल करना है तो राकेश अस्थाना के फोटो को ये गूगल पर ढूंढ लेंगे क्योंकि ये पुलिस अधिकारियों के ही तो नाम का यूज कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों के फोटो मी, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या उपलब्ध हैं गूगल पर उपलब्ध हैं ये लोग वहां से निकाल लिया इन्होंने जैसे मेरे साथ एक बार एक बात हुई किसी एक व्यूवर्स को ये लोग फोन कर रहे थे साइबर क्रिमिनल और कह रहा था कि एस एन श्रीवास्तव बोलते हैं जबकि एस एन श्रीवास्तव रिटायरमेंट हो चुके हैं तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हैं बोला है, हम एस एन श्रीवास्तव बोल रहे हैं मैंने कहा भाई आप ये बताइए कि एस एन श्रीवास्तव तो रिटायरमेंट हो चुके हैं और आप अगर रिटायरमेंट हो चुके हो आप रियल में अगर एस एन श्रीवास्तव तो फिर आप भाई फोन क्यों कर रहे हो आपका क्या लेना देना आप रिटायरमेंट हो चुके हो उसके बाद आप ये जान भी क्यों कर रहे हो अब साहब क्या जवाब है उनके पास कोई जवाब ही नहीं है उसने देखा गया रहा ये तो अब तेरी पोल खोलेगा फोन कट करके भग गया आप हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास जो आप देखिए कि जब इनको थोड़ा सा आप ज़्यादा पूछने की कोशिश करोगे ज्यादा आप इनसे इंट्रोडक्शन करोगे तो ये लोग फोन कट करके भग जाएंगे या फिर ये गाड़ी ग्लोज देने पर उतावले हो जाएंगे गाड़ी ग्लोव क्यों देते हैं कि आपको डराने के लिए दिया जाता है आप जब इनसे क्वेश्चन करोगे तो ये आपके साथ कहेंगे अच्छा ज़्यादा होशियार बन रहा है तू मेरे से मेरी इंक्वायरी कर रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको यह सिर्फ बताना है कि अगर आप पुलिस के अधिकारी है तो भाई बताना पड़ेगा आप हमारे लिए काम करते हो ना कि हम आपके लिए तो ये जो राकेश अस्थाना ये जो नाम यूज किए जाते हैं या जितने भी ये नाम यूज कर रहे हैं ये सारे कोई भी ऑथेंटिक पुलिस के अधिकारी नहीं होते हैं ये एक फ्रॉड कॉल होता है हां ऑथेंटिक अधिकारी ये रियल में है इनके नाम का मिसयूज किया जाता है ये वीडियो मैंने आज पहली बार नहीं बनाया इस मैटर पर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं लेकिन इस वीडियो को लोग क्या देखते नहीं है और बाद में क्या फोन करके सारे ये पूछते हैं सर मेरे पास वो फोन आ रहा है सिर्फ आप ये बता दीजिए कि वो पुलिस का अधिकारी है या नहीं है अरे तो मैं कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट तो हूं नहीं मैं कोई ऐसी कोई जादूगरी या बूजा उजा भी नहीं काटता हूं कि मैं आपको बूजा काट के बता दूं हाँ है या नहीं कहने का मतलब है कि सिर्फ आप इन चीजों से समझ सकते हो कि भाई आपने जब कोई फ्रॉड किया नहीं किसी को आपने ब्लैकमेल किया नहीं किसी को आपने प्रताड़ित किया नहीं कोई आपके द्वारा किया हुआ अपराध ही नहीं बन रहा तो फिर आपके पास एक आईपीएस लेवल का अधिकारी फोन क्यों करेगा और क्या इन छोटे छोटे मसलों में आईपीएस अधिकारी फोन करेंगे कभी नहीं कर सकते पर्टिकुलर जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट होती है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके लिए एक कर्मचारी नियुक्त होता है पुलिस का कर्मचारी नियुक्त होने के बाद वो आपसे कॉल करता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में वो अगर आपको सम्मिलित करना चाहता है तो वो पर्टिकुलर जगह लोकेशन आपको बताता है कंप्लीट आपको एड्रेस देता है कि भाई यहां आइए आप आपसे ये जांच करनी है और अगर उसे लगता है कि आप एक आरोपी हैं आपने कोई दोष किया है तो वो आपसे कोई भी बहकी बहकी बातें नहीं करेगा सीधा आपके घर आएगा आपको पकड़ेगा ले जाके वहां बंद कर देगा फिर चाहे आपने किया नहीं किया वो बाद की बात है लेकिन यहां पे बिल्कुल ये रियलिटी है कि आपसे कोई अधिकारी किसी अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो उसमें कोई अधिकारी आपको फ़ोन करके ये नहीं बताएगा कि आप ये डिलीट कराओ ये फलाना कराओ मुझे एक बात बताइए कि वो लोग कई बार आपको बताते हो या फिर कई बार मैंने बात की है तो वो लोग बोलते हैं कि मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर वायरल करूं या नहीं करूं आप ये समझिए कि सोशल मीडिया पर क्या ये सारी चीजें करना लीगल है सोशल मीडिया पर अभद्र तरीके के वीडियो अपलोड करना ऐसे ऐसेपोन वीडियो अपलोड करना क्या वैलिड है जब ये वैलिड है ही नहीं तो क्या पुलिस ये सारी चीजें वहां पर अपलोड करेगी वो स्वीकृति मांग रहे हैं आपसे कमाल की बात है लेकिन सही बात क्या है मैं आज बता दूं आपको कि आप लोग इन वीडियोस को देखते नहीं हो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो और इसी का आपको खामियाजा देखना ना मिलता है आप जो परेशान हैं कभी आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पूरी चीज़ों को लेकर या आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही उससे परेशान है ऐसा नहीं है आप अपने विचारों से आप अपने लक्षणों से परेशान हैं और इसीलिए आप प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति को मैसेज कर सकते हो आप किसी व्यक्ति को क्वेरी कर सकते हो रात को किसी को दो बजे फोन करके पूछ सकते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ अब आपसे अगर यही सवाल मैं करूं कि आप रात को दो बजे कर क्या रहे थे आप ऑनलाइन क्यों थे तो इसका क्या जवाब है यानी कि आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप खुद की प्रॉब्लम दिखती है किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका क्या इंपैक्ट होगा वो आपको कोई लेना देना नहीं ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे वीअर्स जो हमारे वीडियो को देखते हैं हो सकता है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें रात को दो बजे फ़ोन करके ये बताओ या फिर हमसे ये पूछो कि सर मेरे साथ ये हो गया अब मैं क्या करूँ ये सारी चीज़ें मैंने प्रत्येक वीडियो के अंदर बताई है लेकिन मैंने उन वीडियो में वो सारी चीज़ें हमेशा या तो बीच में या फिर पीछे की साइड में बताई है पहले मैंने उस पूरी घटना को आपको समझाया है उसके लास्ट में मैंने उसके बचाव भी बताए लेकिन आप उन सभी चीज़ों को देखते नहीं हैं आप उस वीडियो को कभी आपने देखा ही नहीं सिर्फ़ और सिर्फ आप जिस तरीके से जल्दीबाजी के चक्कर में इस पूरे मामले में फंसे थे उसी तरीके से आप ये सोचते हैं कि आपको तुरंत से कोई आदमी आए और तुम्हारी मदद कर दे और इसी वजह से हम लोग आपसे कुछ चार्जेस की आजकल जो बात करने लगे हैं उसका रीज़न यही है और आप इस तरीके से ही अगर और भी आगे लगातार अगर कॉल करते रहे या फिर इसी तरीके से आप लोग आप खुद तो परेशान है दूसरों को परेशान करते रहे तो हमारे अबाउट में से जो नंबर दिए हुए हैं वो भी वहां से हमेशा हमें के लिए गायब हो जाएंगे दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझते हैं कि रियल में चल क्या रहा है ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं इन सारी चीज़ों को जवाब देने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन की जरूरत है आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैं गलत हूं ही नहीं तो फिर मैं क्यों किस बात का पैसा दूं और फिर मैं क्यों किसी पुलिस अधिकारी से डरूं लेकिन रियलिटी क्या है कि आप लोग खुद गलत हैं इसीलिए आप सबसे ज्यादा डरते दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आज मैं फिर आपको यह बात बोल रहा हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं जो अपने आप को लेकर इस पूरे मुद्दे को लेकर बड़े परेशान हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये आपकी जिस तरीके से हमने हेल्प की है तो आप भी हमारे साथ मिलकर उन लोगों की हेल्प करना सीखिए जिससे और लोगों का भी फायदा हो